हेलो एवरीवन। तो ये बिहार केबीसी नैनो करंट अफेयर्स का पार्ट फोर है। पार्ट वन, टू और थ्री में हमने बिहार का करंट अफेयर्स और बिहार का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। अब ये पार्ट फोर है जिसमें कि बिहार से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 एमसीक्यूज दिया हुआ है बिहार के करंट अफेयर्स से। इसका पार्ट वन, टू और थ्री जो है वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके पार्ट वन, टू और थ्री को देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेडिकल जर्नल हेल्थ लॉसेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में देश में सबसे अधिक खतरा वाला जिला कौन सा है? पटना, सिवान, दरभंगा या भागलपुर? तो सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैलाने में जो देश में सबसे अधिक खतरा वाला जिला है वो है दरभंगा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1750 करोड़ की लागत से 2022 तक बिहार के किस जिले के कालू घाट में एक आधुनिक बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा? बक्सर, आरा, सारण या पटना? तो बिहार के सारण जिले में एक आधुनिक बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा कालू घाट में। बिहार के कुल वन आच्छादन का प्रतिशत कितना है? तो बिहार का जो कुल वन आच्छादन क्षेत्र है उसका प्रतिशत है 7.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो संजीवनी नामक जो ऐप लॉन्च किया गया है वो बिहार राज्य में लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को किन दो फसलों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चावल और मकई, गेहूं और मक्का, चावल और गेहूं या बाजरा और मक्का? तो कृषि कर्मण पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो बिहार में गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी कैक्टस के फूल पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज भावुक, रविंद्र प्रभात, आनंद मोहन या मृदुला सिन्हा? गांधी कैक्टस के फूल पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आनंद मोहन। नेक्स्ट है कि बिहार से जुड़े निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सैयद मुजाम अली, जॉर्ज फर्नांडिस, अब्दुल जब्बार या वशिष्ठ नारायण सिंह? तो मरणोपरांत जो प्रदान किया गया वो वशिष्ठ नारायण सिंह को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा वैज्ञानिक फोर्ब्स पत्रिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के वैश्विक पैनल में सबसे ऊपर रहा था? बिहार का कौन सा वैज्ञानिक फोर्ब्स पत्रिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के वैश्विक पैनल में जो सबसे ऊपर रहा था वो था सुमंत परिमल, इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार के किस जिले में हेलो सखी चैन अभियान ग्रामीण महिलाओं द्वारा शुरू किया गया? हेलो सखी चैन अभियान, तो ये जो अभियान शुरू किया गया है वो मुजफ्फरपुर जिला में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के मधेपुरा जिला में स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का क्या नाम है? वैग 12A, वैग 12B, वैग 12C या वैग 12D? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है वैग 12B। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली की दर क्या है? कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली का जो दर है वो है 65 पैसे। 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दर है बिहार में कृषि कार्य के लिए। बिहार में 2018-19 की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान था? 21.3%, 19.7%, 21.9% या 22%? 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो था 19.7% का। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018-19 में बिहार की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय थी 30,617 रुपये, 42,617 रुपये या 45,541 रुपये या डी है 4,541 रुपये?
क्वेश्चन क्या है कि बिहार में शुद्ध प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 2018-19 के अनुसार, तो कितनी आई थी 30,617 रुपए थी 2018-19 में बिहार की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि बिहार में 2018-19 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी, 2018-19 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी, 145 किलोवाट प्रति घंटा, 225 किलोवाट प्रति घंटा, 311 किलोवाट प्रति घंटा या 415 किलोवाट प्रति घंटा। तो जो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी वो थी 311 किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में स्वदेशी गोजातीय पशुओं के संरक्षण के लिए एक प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी, कटिहार, बक्सर, नवादा या नालंदा। किस जिले में स्वदेशी गोजातीय पशुओं के संरक्षण के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापना की जाएगी, तो वो की जाएगी बक्सर जिले में। नेक्स्ट है कि स्थिर कीमतों पर 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की दर क्या थी, 10.01%, 10.31%, 10.53% या 15.01%। स्थिर कीमतों पर 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी वो थी 10.53%। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में जनसंख्या के दृष्टि से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है, सड़कों के घनत्व के मामले में जनसंख्या के दृष्टि से, तो बिहार का जो स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से सड़कों के घनत्व के मामले में वो है चौथा स्थान। नेक्स्ट है कि बिहार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, सार्वजनिक ऋण या राज्य सरकार कर राजस्व। बिहार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बताना है, तो बिहार के राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रत्येक नागरिक पर कितने रुपए का कर्ज अनुमानित है, ये आर्थिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बताना है कि बिहार में प्रत्येक नागरिक पर कितने रुपए का कर्ज अनुमानित है, 10,344, 11,644, 12,931 या 13,344 रुपए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, 12,931 रुपए प्रत्येक नागरिक पर जो है वो कर्ज अनुमानित है बिहार में 2019-20 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस बिहार के किस कॉलेज में स्थापित किया जाएगा, IIT पटना, NIT पटना, पटना कॉलेज या पटना साइंस कॉलेज। वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस की जो स्थापना की जाएगी वो की जाएगी पटना साइंस कॉलेज में। नेक्स्ट है कि बिहार की किस महिला वैज्ञानिक ने गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए एक अमेरिकी NGO से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, डॉक्टर प्रेरणा झा, डॉक्टर भारती पांडे, डॉक्टर अनुपमा सिन्हा या डॉक्टर प्रेमलता यादव। किस महिला वैज्ञानिक ने गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए एक अमेरिकी NGO से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भारती पांडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के वित्त वर्ष 2020-21 का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, 1,05,995 करोड़, 1,05,766 करोड़, 2,11,761 करोड़ या 2,501 करोड़। बिहार के वित्त वर्ष का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2,11,761 करोड़ रुपए जो है वो बिहार के वित्त वर्ष 2020-21 का कुल बजट में अनुमानित है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी पर खुदाई के दौरान बौद्ध देवी तारा की एक मूर्ति मिली है, गया, नवादा, नालंदा या शेखपुरा। किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी पर खुदाई के दौरान बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है, तो ये जो मूर्ति मिली है तारा की वो मिली है नालंदा जिले में खुदाई के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल परिमार्जन बिहार किस विभाग से संबंधित है, ऑनलाइन पोर्टल जो परिमार्जन है वो बिहार के किस विभाग से संबंधित है,
तो परिमार्जन पोर्टल जो है वो राजस्व और भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे किस राजनेता के भाषणों का संकलन है? नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र या लालू प्रसाद यादव? राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे किस राजनेता के भाषणों का संकलन है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के भाषणों का संकलन है पुस्तक देते रहेंगे, दस्तक देते रहेंगे। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनन राजस्व संग्रह में कौन सा जिला टॉप पर रहा? खनन राजस्व में, राजस्व संग्रह में जो जिला टॉप पर रहा वो है जमुई जिला। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस नदी पर प्रस्तावित पांडुका श्रीनगर ब्रिज का निर्माण 333.41 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा? पांडुका श्रीनगर ब्रिज का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है ये बताना है आपको। सोन नदी, पुनपुन नदी, चंदन नदी या उत्तर कोयल नदी? तो ये जो प्रस्तावित ब्रिज है वो है सोन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बिहार के किस जिले में टेरोकोटा या मिट्टी के कुकर तैयार करने की योजना बनाई है? कैमूर, बक्सर, भोजपुर या रोहतास? तो ये जो योजना बनाई गई है वो रोहतास जिले के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नेहा शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी या मनोज वाजपेयी? खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है कि किस जानवरों की गिनती में पटना चिड़ियाघर दुनिया का नंबर एक चिड़ियाघर बन गया है? गैंडा, तेंदुए, मगरमच्छ या दरियाई घोड़ा? तो जो पटना चिड़ियाघर है दुनिया का नंबर वन चिड़िया बन गया है वो किस जानवर की गिनती में बना है? तो वो जानवर है गैंडा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस चिकित्सक को डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेसिडेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अजीत गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर निखिल अग्रवाल या डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा? किस चिकित्सक को डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर निखिल अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस दिवंत राजनेता की जयंती प्रत्येक वर्ष 3 जून को राज्य समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस या जगन्नाथ मिश्रा? तो यह जॉर्ज फर्नांडिस के जन्मदिन को प्रत्येक 3 जून को राज्य समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के किस अभियान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया? हर घर नल का जल, मानव श्रृंखला 2020, चंपारण शताब्दी समारोह या जल जीवन हरियाली मिशन? किस अभियान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है? तो ये जो दर्जा दिया गया है वो चंपारण शताब्दी समारोह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के कितने जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना लागू की जा रही है? 22, 25, 30 या 32? तो 32 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना लागू की जा रही है 50,000 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा विश्व भारत रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग सूची में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? पटना विश्वविद्यालय पटना, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना या दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय गया? शिक्षा विश्व भारत की रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग सूची में जो विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है उसका नाम है दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में भारत का दूसरा लोटस मंदिर बनाया जा रहा है? गया, पटना, नालंदा या दरभंगा? भारत का दूसरा लोटस मंदिर जो बनाया जा रहा है वो नालंदा जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है कि 1900 करोड़ रुपए की लागत से NHAI ने झारखंड के साहेबगंज और बिहार के किस जिले में स्थित मनिहारी के बीच एक पुल के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी किया है?
पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर या किशनगंज। तो ये जो आदेश जारी किया गया है वो कटिहार जिले के लिए जारी किया गया है। साहेबगंज और बिहार के कटिहार जिले में स्थित मनिहारी के बीच एक पुल निर्माण करने का आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर से सितंबर 2020 से उड़ान संचालन शुरू करने की घोषणा की गई है? राजगीर, कटिहार, दरभंगा या भागलपुर। तो ये जो घोषणा की गई है कि सितंबर 2020 से दरभंगा जिले से उड़ान संचालन शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट है कि कोरोना काल 2020 में बिहार विधान परिषद के कितने उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं? 12, 9, 7 या 6। तो कोरोना काल 2020 में बिहार विधान परिषद के 9 उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सभी विभागों में कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के अकुशल कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिए गए हैं? 50 वर्ष, 52 वर्ष, 55 वर्ष या 58 वर्ष। तो जो 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के अकुशल कर्मचारी हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे, कि कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का नैदानिक परीक्षण बिहार के किस अस्पताल में शुरू किया गया? PMCH पटना, NMCH पटना, एम्स पटना या IGIMS पटना। तो कोवैक्सीन जो कोरोना वायरस का वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण जो शुरू किया गया था वो एम्स जो है पटना में वहाँ पे शुरू किया गया था, एम्स अस्पताल में। नेक्स्ट है कि बिहार सहित 4 राज्यों में ब्रिटानिया अगले 2 साल में 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ब्रिटानिया द्वारा यह संयंत्र बिहार में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहटा, जमालपुर, हाजीपुर या बिहार शरीफ। तो जो ब्रिटानिया द्वारा जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है वो बिहार के बिहटा नामक स्थान पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COVID-19 महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों के मामले में बिहार के कितने जिले भारत के 20 सबसे संवेदनशील जिलों में से हैं? ऑप्शन है 6, 8, 10 या 12। तो बिहार के जो 12 जिले जो है वो देश में संवेदनशील जिलों में इनकी गिनती है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे कम वार्षिक वर्षा बिहार के किस जिले में दर्ज की गई? गया, जहानाबाद, अरवल या औरंगाबाद। तो बिहार के जहानाबाद जिले में सबसे कम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है 2018-19 के दौरान। नेक्स्ट है कि कोसी रेल महासेतु की लंबाई है 0.9 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर, 2.9 किलोमीटर या 3.9 किलोमीटर। तो जो कोसी रेल महासेतु की लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक बिहार के किस राजनेता द्वारा लिखी गई है? विजय कुमार चौधरी, उदय नारायण चौधरी, देव नारायण यादव या शिवानंद तिवारी। तो सियासत में सदस्यता नामक जो पुस्तक है वो विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है कि बिहार का प्रस्तावित प्रथम एक्सप्रेसवे राज्य के कुल कितने जिलों से गुजरेगा? 3, 4, 5 या 6। बिहार का प्रस्तावित प्रथम एक्सप्रेसवे जो है वो राज्य के कुल 6 जिलों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में नॉलेज गार्डन का निर्माण एक सरकारी स्कूल में किया गया? पटना, कैमूर, मुंगेर या अररिया। बिहार के किस जिले में नॉलेज गार्डन का निर्माण एक सरकारी स्कूल में किया गया? तो कैमूर जिले में जो नॉलेज गार्डन का निर्माण है वो सरकारी स्कूल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि पिछले 15 वर्षों में 2004-05 से लेकर 2020-21 बिहार के बजट में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 8 गुना। तो पिछले 15 वर्षों में बिहार के बजट में जो वृद्धि हुई है वो 8 गुना की वृद्धि हुई है। सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार सरकार ने 2020-21 के बजट में सर्वाधिक राशि का आवंटन किस क्षेत्र के लिए किया है, जो कि 19.3% की राशि है। तो सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, 19.3% की राशि 2020-21 के बजट में आवंटित की गई है शिक्षा के क्षेत्र के लिए।
तो ये था केबीसी नैनो बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे। अब हम अगले वीडियो से केबीसी नैनो का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया है अब हम अगले पार्ट में इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।